हाय फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी कच्चे नारियल की बहुत ही मजेदार रेसिपी। अरे ये क्या हुआ, नारियल फेंकते नारियल का खोल तो अपने आप ही गायब हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम नारियल को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके इसका जो ब्राउन पार्ट है उसे हम छील करके निकाल दिए हैं, क्योंकि जब ब्राउन पार्ट रहता है तो अच्छा नहीं लगता है देखने में। यहाँ लिए हैं स्लाइसर और इससे हम पतले पतले स्लाइस कर लेंगे। आप चाहें तो इसे चाकू से भी छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं, पर जब हम स्लाइसर से इस तरह से स्लाइस कर लेंगे ना तो खाने में बहुत ही मज़ेदार क्रंची लगेंगे। तो इसी तरीके से हम जो है पूरे नारियल को जो है स्लाइस करके तैयार कर लेंगे। ये गर्मियों तो बहुत मज़ेदार रेसिपी रहती है। तो ये देखिए, मैंने सारे नारियल को इस तरह से स्लाइस कर लिया है। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो यहाँ लिए हैं मिक्सर जार, इसमें हम नारियल का जो ये स्लाइस वाला पार्ट है इसे हम डाल देंगे। तो हमें पूरे नारियल को जो है पीसना नहीं है, थोड़ा सा नारियल इसी तरीके से हम ऐसे ही बचा करके रख देंगे, इनका यूज जो है हम बाद में करेंगे। और जो हम मिक्सर जार में डाल दिए हैं उसे हम दरदरा सा पीस करके तैयार करेंगे। तो ये देखिए, दरदरा सा ये पीस करके तैयार हो गया है, एकदम बारीक भी नहीं पीसना है ना मोटा। तो इस तरह से जब हम पीस करके डालते हैं ना तो बहुत ही मज़ेदार लगता है खाने में। ये तो बच्चे बड़ों सभी की बहुत ही फेवरेट रेसिपी है, बचपन में तो ये बहुत ज़्यादा ही पसंद था और मैं इसे अधिकतर घर पे ही बना करके खाती हूँ, मुझे मार्केट वाला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ हम गैस पर रख दिए हैं एक कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे आधा लीटर दूध। तो ये दूध जो है फुल क्रीम दूध है, और आप भी जब इस रेसिपी को बनाइए तो ध्यान ही रखिए कि फुल क्रीम दूध का ही यूज करें। जैसे गाय भैंस का दूध होता है, मार्केट में जो गोल्ड वाला दूध मिलता है वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। इससे बहुत ही ज़्यादा क्रीमी शाइनी ये बनकर के तैयार होता है और खाने में मज़ेदार लगता है। तो दूध जो है चलाते चलाते हम इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लिए हैं और अब हमें इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है। तो फाइनली इतना ही गाढ़ा हमें रखना है। अब इसमें हम जो है डालेंगे गाढ़ापन लाने के लिए, यहाँ पर हम लिए हैं एक कप दूध, वो छोटा वाला जो कप है उसी से लिए हैं, आप कोई भी कटोरी या कप से ले सकते हैं। इसमें हम डाले हैं एक चम्मच कॉर्नफ्लोर और इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अभी रख देंगे इसे साइड में, अभी तुरंत नहीं डालना है। अब इसमें हम डाल देंगे एक चौथाई कप चीनी, चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, चीनी की जगह पर आप मिश्री का भी यूज कर सकते हैं। और चीनी जो है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है, क्योंकि जब इसे हम ठंडा करते हैं ना तो इसकी मिठास तो कम हो जाती है। चीनी मिक्स कर लिए हैं तो दूध और थोड़ा पतला हो गया है, क्योंकि जो चीनी है मेल्ट हुई है तो दूध में मिलने के बाद दूध थोड़ा पतला हो गया है। तो इसमें अब हम जो कॉर्नफ्लोर मिला करके रखे हुए थे दूध, उसको धीरे धीरे डालते हुए हम इस तरह से चलाते रहेंगे और आप देखेंगे कि एक मिनट बाद ही जो ये दूध हमारा है वो एकदम गाढ़ा होकर के तैयार हो जाएगा। और इसे लगातार चलाते रहना है, वरना क्या होता है ना, कॉर्नफ्लोर डालने से दूध एकदम गाढ़ा हो जाता है तो तली में जो है लगने का डर रहता है। तो आप देखिए, दूध जो है एकदम गाढ़ा हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, वो जो नारियल पीस करके रखे थे उसे हमें इसी में डाल देना है। नारियल को हम ना तो भूने हैं, ऐसे ही हमें इनका यूज करना है। बहुत ही मज़ेदार लगता है खाने में, एक बार जब आप बनाएंगे ना तो यकीन मानिए, अब मार्केट से लाना छोड़ देंगे, हमेशा आप घर में ही बनाएंगे और बहुत कम चीज़ों से ये बन करके तैयार हो जाती है और पूरी फैमिली के लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो ये देखिए, इसे चलाते हुए हम गाढ़ा कर लिए हैं, अब इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। गैस को कर देंगे ऑफ और इसे रख देंगे हम साइड में ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पर लिए हैं हम आइसक्रीम मोल्ड, आप इसकी जगह पर कोई ग्लास कटोरी या जो कागज़ वाले ग्लास आते हैं वो भी ले सकते हैं। अब इसमें हम जो है एक चम्मच की हेल्प से ये जो दूध और नारियल वाला मिक्सचर है इसमें डालते जाएंगे, और हमें पूरा फुल नहीं भरना है, थोड़ा सा हम खाली रखेंगे ऊपर का पार्ट। तो इस तरह से देखिए, मैंने सारे मोल्ड को भर लिया है। अब ये जो इसे टैप कर देंगे जिससे अच्छे से सेट हो जाए, आप देख ही सकते हैं ना कि मैंने इसे थोड़ा सा खाली रखा है। अब ये जो नारियल हम बचा करके रखे थे ना स्लाइस करके थोड़ा सा, अब इनका यूज हम करेंगे। अब इसे हम सारे मोल्ड में इस तरह से डालते जाएंगे। आप समझ नहीं सकते हैं कि जब आप इसको खाएंगे ना तो ये बीच में जब ये क्रंची क्रंची नारियल के स्लाइस के हुए पार्ट जब मिलेंगे ना तो बहुत ही मज़ेदार लगेगी ये रेसिपी खाने में।
तो इसी तरीके से हम सारे आइसक्रीम में हम रख दिए हैं। अब यहाँ हम लिए हैं आइसक्रीम स्टिक, इसे हम अच्छे से धुल करके पहले से रख दिए थे, और अब हम लगाएंगे इसके ऊपर एल्युमिनियम फॉयल। इससे क्या होता है ना, जो आइस क्रिस्टल है वो इसके अंदर नहीं जमने पाते हैं, वरना जब हम फ्रीजर में रखते हैं तो ऊपर से जो है आइस क्रिस्टल जम जाते हैं, तो वो जो है बहुत हार्ड हो जाते हैं। अब लगा देंगे एक रबड़ बैंड। रबड़ बैंड लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, पर लगा देते हैं तो एकदम सेफ रहता है। और उसके बाद जो है हम चाकू से हल्का हल्का सा इसमें जो है छेद कर देंगे, तो ज़्यादा बड़ा नहीं करना, बस इस तरह से हल्के हाथों से हम चाकू से इस तरह से प्रेस करेंगे। उसके बाद जो आइसक्रीम स्टिक है उसको हम इस तरह से डालते जाएंगे, और ध्यान ये रखना है कि एकदम नीचे तक डाल देना है। अगर आपके पास जो है मोल्ड में भी बहुत सारी स्टिक लगी रहती हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं, तब आपको इस तरह से जो है ये लकड़ी वाले स्टिक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने सारे स्टिक को लगा दिया है, फाइनल ये तैयार है। तो चलिए इनको हम रखते हैं फ्रीजर में, क्योंकि इन्हें हम रखेंगे कम से कम 8-10 घंटे के लिए। तो ये देखिए, मैं तो दूसरे दिन इसको निकाल करके लाई हूँ, तो पूरी ये रात जो है फ्रीजर में रखा रह गया है। तो चलिए अब इसको देखते हैं कि ये अच्छे से ये जम करके तैयार हुआ है नहीं। तो पहले तो हम इसका रबड़ बैंड हटा देंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे करके एल्युमिनियम फॉयल जो लगाए थे वो हटा देंगे। तो अगर आपको मेरी कच्चे नारियल वाली रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से हम हाथों से रब कर देंगे ताकि जो है ये आसानी से निकल जाए, और मुझे तो बस अब बस कितनी जल्दी ये मिल जाए खाने को, बस यही मन कर रहा है, देख करके ही लालच आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं खा करके चेक करूँगी कि कैसा लग रहा है खाने में। तो बहुत ही मस्त ये बन करके तैयार हुआ है, बहुत क्रीमी क्रीमी हो, और जो नारियल के पीसेज हैं इसमें स्लाइस किए हुए तो एकदम मज़ेदार ही लग रहे हैं, क्या ही कहना है, जितनी तारीफ करूँ उतना कम ही है। तो मैंने तो एक खा लिया पहले ही। अब चलिए इनको निकाल करके हम प्लेट में रखते हैं। ये बहुत आसानी से निकल जाते हैं, बस क्या है फ्रीजर से निकाल करके इनको आप 5 मिनट के लिए बाहर रखना होता है, उसके बाद ये बहुत आसानी से जो है इस तरह से घुमा करके जब आप निकालेंगे ना तो एकदम आसानी से निकल जाते हैं, बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं। तो अगर आप गर्मियों में इस तरह से जब बनाएंगे ना घर में, तो बच्चे बड़े सब आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे, और आपको तो फिर बाजार से मंगाने ही नहीं देंगे, कहेंगे नहीं बस घर में ही बना करके तैयार करो। और ये क्या है ना, दूध से बनता है नारियल, तो बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं, और इतने घरों में तो नारियल रहता ही है। आप फ्रेश नारियल की जगह पर जो डेडिकेटेड कोकोनट आता है उसका भी यूज कर सकते हैं इसमें। तो मेरा तो मन फिर से ललचाने लगा, मन कर रहा है मैं पूरी प्लेट मैं ही खा करके ख़त्म कर दूँ। तो आप भी लीजिए, खाइए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और भी इस तरह से बनाना मत भूलिएगा, बनाइए, खुद खाइए, सभी को खिलाइए, बहुत ही मज़ेदार लगती है गर्मियों में, बहुत मस्त लग रही है खाने में, मैं तो पूरी प्लेट ही खा जाऊंगी। तो हम आपसे मिलेंगे अगली एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।